कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक का चुनाव जीतने वाले और हाल ही में लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके पवन काजल भी धीरे धीरे साल 2022 के लिए कमर कसते नजर आ रहे हैं। काजल ने भी अब जनता के बीच जाना और उनके हितों की पैरवी करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, हाल ही के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद काजल राष्ट्रीय नेतृत्व की नजर में भी आ चुके हैं, जिसको वो बरकरार बनाए रखना चाहते हैं। काजल अब क्षेत्रीय राजनीति से ऊपर उठकर बयानों के जरिए सुर्खियां बटोरने लगे हैं, इसलिए क्योंकि साल 2022 का समर अगर फिर से काजल जीत जाते हैं और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वो जीत की हैट्रिक लगाने वाले नए विधायक हो जाएंगे और सरकार को कोई बड़ा ओहदा देना ही पड़ेगा। ऐसे में साधारण से दिखने वाले काजल ने अभी से भविष्य की तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं और बयानों के जरिए खुद को परिपक्व बनाने में जुट गए हैं। काजल ने प्रदेश के शीर्ष नेता और 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की लंच डिप्लोमेसी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि वीरभद्र सिंह प्रदेश के बड़े नेता हैं, उनके द्वारा बुलाए जाने पर उनके घर जाना वो सौभाग्य मानते हैं। कई नेता लंच पार्टी में नहीं जा पाए, उस पर वो टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि वो उनका निजी मामला हो सकता है, लेकिन हाँ एक बात साफ है कि वीरभद्र सिंह को न केवल कांग्रेस के नेता बल्कि खुद विपक्ष के भी नेता तवज्जो देते हैं। आज हर नेता उनकी तरह बनना चाहता है, पार्टी में उनकी जगह लेना चाहता है, इसलिए क्योंकि वीरभद्र सिंह अब वयोवृद्ध नेता हो चुके हैं लेकिन वो सक्रिय राजनीति में अभी भी ज्यों के त्यों डटे हुए हैं। उम्र दराज होने की वजह से आज नहीं तो कल पार्टी में किसी ना किसी को तो उनकी जगह लेनी ही है, तो उसकी तैयारियां अगर कोई करता है तो उसमें बुराई नहीं देखी जानी चाहिए। वीरभद्र सिंह की राजनीति में अपनी पैठ है, उनकी जगह लेना तो बेहद मुश्किल है, लेकिन राजनीति में उनके नक्शे कदमों पर चलते हुए उन जैसे बन पाने की कोशिश की जा सकती है। कांग्रेस पार्टी में बहुत से ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो वीरभद्र सिंह की जगह लेना चाहते हैं, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के लिए उस स्तर पर जाकर काम करना चाहते हैं, न कि वीरभद्र सिंह को हटाकर खुद का वर्चस्व कायम करने की इच्छा पाले बैठे हैं। वहीं काजल ने कहा कि छोटी बड़ी गुटबाजी तो हर संगठन में रहती ही है, भाजपा में भी गुटबाजी है, कांग्रेस में भी होगी। कांग्रेस सत्ता से भी बाहर है, लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि कांग्रेस राजनीति से बाहर हो चुकी है। आज भी देश भर के कई प्रदेशों में कांग्रेस का अपना वर्चस्व है और ज्यादातर प्रदेशों में विपक्ष की भूमिका में सक्रिय राजनीति कर रही है। इस वक्त कांग्रेस की मंशा हिमाचल प्रदेश में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को जीतना है, जिसके लिए तैयारियां पार्टी के आम से लेकर खास कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दी हैं और पार्टी चुनाव जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इतना की जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी 2022 की चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और जो हमारे सीएलपी के लीडर हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, बाकी जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं वो सारे इकट्ठे होकर चलेंगे और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो प्रदेश में जी उन्होंने 2.5-3 साल हो गए जो प्रदेश में ग्राउंड लेवल तक कुछ काम नहीं किया, उसको उखाड़ने के लिए सारे इकट्ठे होंगे आने वाले टाइम में। अपने देखते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ आप जैसे जानना चाह रहे हैं कि कहाँ कहाँ नहीं आ रही है। ऐसा कांग्रेस पार्टी का अपना इतिहास है, कांग्रेस पार्टी ने जो पिछले 70 वर्षों से जो काम किया है, जो आम आदमी के लिए काम किया है, जो ग्राउंड लेवल पे काम किया है, वो दिखता है। चाहे वो स्कूलों की बात हो, कॉलेजों की बात हो, हॉस्पिटलों की बात हो, और भी कई ऐसी मतलब जो जनता से जुड़े हुए मामले जो है वो कांग्रेस पार्टी के जो किए हुए हैं उसको जनता धुतकार नहीं सकती। ये सच्चाई है, ठीक है। जब हम सत्ता के बाहर हो गए, सत्ता के बाहर जैसे पहले हमारे लीडर होते थे, राजा वीरभद्र सिंह जो लीडर थे एक, है ना, उनका तोड़ नहीं था। तो अब ऐसा कई बार ऐसा लगता होगा कि अब राजा वीरभद्र सिंह थोड़े एज के कारण थोड़ा सा, तो आगे नेचुरली है जब बड़े वरिष्ठ लीडर हो जाते हैं तो किसकी मनसा नहीं होती है, महत्व अपनी मनसा तो सबकी होती है ना, तो उसका नहीं है वो, मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मतलब सत्ता में लाने के लिए काम कर रहे हैं। बीच में ये तो इक्का दुक्का जो आप बात कर रहे हैं कि छोटा मोटा गुटिज्म, ये तो ये आज से नहीं है, वो चलता तो बीजेपी में भी है, थोड़ा बहुत होता होगा, कांग्रेस में भी चलता होगा।